हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज आपके टाइम टेबल में हिंदी की क्लास है और आज हम हिंदी पढ़ेंगे। तो आओ हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी का चैप्टर थ्री शुरू करेंगे हम। हिंदी का चैप्टर थ्री का नाम है शेर और चित्रकार, यानी कि शेर एक शेर लॉयन और चित्रकार मतलब पेंटर, ये उसकी पोएम है। तो आओ बच्चों पढ़ लेते हैं। अब क्या कुछ दे रखा है यहाँ पे। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, मतलब जो ये चित्रकार होते हैं ना, ये शांत जगह ढूंढते हैं ताकि शोर शराबा ना हो और ये शांति से अपनी कल्पना से अच्छी अच्छी तस्वीर बनाए। तो ऐसी शांत जगह में चित्र बना रहे थे, कहीं जंगल के आसपास, तालाब के आसपास। इतने में ही वहाँ आ गए यमराज का मित्र। यमराज का मित्र शेर यमराज का मित्र होता है। उसे देख चित्रकार के तुरंत उठ गए होश। भाई शेर था, शेर को तो देख के किसी के भी होश उठ जाए, वो चित्रकार के भी उठ गए। वो शेर तो खा जाएगा, मर देगा। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। भाई शेर दिखने के बाद वो तो अपनी नदी पेड़ पार सुंदरता को भूल गया, उसकी तो अपनी जान की चिंता हो गई, वही कभी मार दे मुझे। फिर उसने कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। तो उसने कुछ हिम्मत आ गई, भाई थोड़ी सी हिम्मत आई भाई, हिम्मत की उसने, बोला सुंदर चित्र बना दूँ, बैठ जाइए आप। तो उसने शेर से कहा तो ऐसा कर, तो बैठ जा, मैं तेरी पेंटिंग बना देता हूँ, चित्र बना देता हूँ। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। तो शेर उकड़ू बैठ गया अपनी तस्वीर बनाने के लिए, पोज बना के बैठ गया वो। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर, मतलब चित्रकारी तरफ देखने लग गया पेंटिंग बनवाने के लिए, भाई इसकी तरफ देख के पेंटिंग बनवा लूं। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार। चित्रकार ने बोल दिया भाई आगे का तो तैयार हो गया, अब तू अपने पीछे का और बना देता हूँ, तेरे दोनों हिस्सों की बना देता हूँ, तू अपने पीठ करके बैठ जा मेरी तरफ। देखो अब ये देख भी सकते हो, ये पेंटर है, ये एक तालाब के किनारे, यहाँ कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, ये झरने हैं, पूरी अच्छी जगह है, मतलब पूरी इमेजिनेशन के लिए, पूरी सिनेटिक सिनरिक जगह। तो शेर देखो पहले आगे का बनवा के अब पीछे पीट करके बैठ गया। अब मुंह आप उधर को करिए जंगल के सरदार, मतलब आप तालाब की तरफ चेहरा कर लीजिए और पीठ मेरी तरफ कर लीजिए ताकि पीछे का हिस्सा भी बना दो पेंटिंग में। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुप करे चुपके से खिसका किसी जैसे कोई चोर। भाई चित्रकार को तो पता था भाई शेर है, ये तो खा जाएगा अपना पेंटिंग बनाने के बाद, खा लेगा मुझे। तो वो तो भाई अपनी छोड़ के पेंटिंग, वो तो किसी जैसे चोर चला जाता ना दबे पाँव, वो तो दबे पाँव निकल लिया कि अपने चुपचाप निकल लेता हूँ ना, या मार जाऊँगा इस शेर के साथ। तो बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमा कर शेर, भाई वो चला गया और शेर को पता ही नहीं चला वो चला गया। शेर वैसे ही बैठा रहा, वो तो अपनी पेंटिंग और पेंट ब्रश और पेंट स्टैंड और ये जो जिसमें कलर्स होते हैं वो सब छोड़ छाड़ के वो चला गया। बैठे बैठे लगा सोचने इधर उधर हुई क्यों देर। शेर सोचने लगा यार इतनी देर कहाँ लगा दी, इतनी देर में तो पेंटिंग बन जानी चाहिए थी। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। झील के किनारे एक लकड़ी की नाव थी और उसमें एक चप्पू था चलाने के लिए। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस। उसने तो अपने सांस भर के कि भाई अब निकल लो यहाँ से, उसने चप्पू चलाने के लिए सांस भर ली। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। और उसने तो नाव चला के चला गया, क्योंकि शेर ये जो जानवर होते हैं ना इस तरह के, शेर भालू ये इनको ये पानी में नहीं जाते हैं, ये जमीन पे ही रहते हैं। पानी में तो बाघ तो तैर लेता, शेर तो तैर भी नहीं पाता। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाट में चूर। तब उसको पता चल गया यार, उसने पीछे मुड़ के देखा वहाँ तो पेंटर ही नहीं है, और पेंट उसकी उसने देखा कि उसकी पेंट ब्रश और पेंट डिश और पेंटिंग और पेंट स्टैंड सब वहाँ है, वो पेंटर गायब है। पर वो झुलझुलाट में था भाई, उसे गुस्सा आया शेर को। शेर बहुत
खिशिया कर बोला नाव जरा ले रोक। शेर ने फिर देखा वो तो नाव में जाने लग रहा है। कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। शेर उसे बोला कि कलम और कागज तो ले जा अपनी, ये जो सब छोड़ के चला गया यार ये सारी चीजें। कायर डरपोक भी बोला उसको, तो शेर के हिसाब से वो कायर डरपोक था। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास। भाई ये ऐसा तो था नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा योद्धा हो भाई शेर से भी लड़ सके। वो था नाम सा इंसान था तो अपने शेर उसको कायर डरपोक कह रहे। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप ही कीजिए जंगल में अभ्यास। और वो कहा भाई तू ही रख इन पेंटिंग शेंटिंग को, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। वो चला गया अपने नाव नू पकड़ के चला गया, शेर वहीं रह गया।